कृपया यहाँ ज्ञान ना बांटें, आप ही नहीं अपना ही नहीं संभाल पा रहे। वाह, अपना ही नहीं संभल रहा। 1000 square feet फॉर वन रूम, बॉम्बे वाले आके बोलते हैं कि बाथरूम जितना यहाँ पे उससे उसमें उनका पूरा घर बन जाता है। बीवी के पैर दबाएं, स्पा में 20% डिस्काउंट पाएं। जूस और बंटा सोडा की दुकान। थोड़ा सा नींबू निचोड़ लेते हैं, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। नींबू डालते ही वो बाहर आ सकती है। अच्छा, नींबू डालते ही बाहर आ सकती है। नमक से बाहर आती है, काला नमक। कुछ लोग इतने भयंकर कुंवारे होते हैं कि ताश खेलते वक्त भी बेगम नहीं आती। गया पसीना, कहाँ है मैनेजर कमीना? हम लोग पहुँच गए हैं, और कहाँ पकड़ लो, कांगड़ा कहने का मतलब धर्मशाला एयरपोर्ट। गाइस, हम लोगों ने कांगड़ा एयरपोर्ट पे लैंड किया और फिर वहां से हम लोगों ने टैक्सी पकड़ी, और टैक्सी पकड़ के हम लोग जा रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे का रास्ता है राख विलेज। राख गांव है जहां पर कि ये रिजॉर्ट है, रख रिजॉर्ट, इसके बारे में काफी सुन रखा है हमने। और वहां जाके आपको कुछ अच्छे लोगों से मिलाएंगे और कुछ बहुत ही प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी चीजें दिखाएंगे। ये हम लोगों ने अपने ट्रिप की शुरुआत यहां से इसलिए की है क्योंकि यहां पर इस रिजॉर्ट के अंदर ही अपने आप में आधे पौने किलोमीटर की ट्रैकिंग, एक तरफ अगर अपने कमरे में जाना है तो ही इतनी ट्रैकिंग हो जाती है। तो हमारे ट्रिप की शुरुआत यहीं से होगी, आपको लेके चलते हैं रख रिजॉर्ट। गाइस, हम लोग यहाँ आए हैं रख रिजॉर्ट, और रख रिजॉर्ट में मैं आप लोगों को किसी से मिलवाना चाहता हूँ। और ये 2008 में हमारी स्टूडेंट थी, अब आज की डेट में सीए हैं, सीए स्वाति मक्कड़, वो यहाँ की जनरल मैनेजर हैं। तो सीए स्वाति मक्कड़, उन्होंने यूएस से जो है छोड़ के यहाँ पर आई हैं। विल टॉक टू हर, और अभी पूरी स्टोरी लेते हैं उनसे और जगह को भी समझते हैं। एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस। पहला दिन है हमारा, तो हमारी जो सोच है वो ये है कि यार ट्रैकिंग की शुरुआत यहाँ से हो, क्योंकि यहाँ की जो प्रॉपर्टी है वो ही अपने आप में ट्रैक करा देती है हम लोगों को। स्वाति, आप यहाँ पर कितने टाइम से हैं? मैं 2 साल से रिजॉर्ट हूँ। 2 साल से, और ये यहाँ आपने जो है यू आर द जनरल मैनेजर बोल रहे हैं, राइट? ये बहुत बढ़िया कोट लिखा हुआ है यार यहाँ, कृपया यहाँ ज्ञान ना बांटे, आप ही नहीं अपना ही नहीं संभाल पा रहे। वाह, अपना ही नहीं संभल रहा, ये दिस इज गुड, वेरी गुड कॉन्सेप्ट। ये क्या है, ये कोटेशन क्या है स्वाति? सो दिस इज जस्ट बिगनिंग, बट अप थ्रू आउट द प्रॉपर्टी यू विल सी सच नाइस ह्यूमरस बोर्ड दैट सॉर्ट ऑफ मोटिवेट्स यू। जो आपकी अभी ये ट्रैकिंग स्टार्ट हो रही है ना, उससे दिमाग डाइवर्ट होके आपका ये ह्यूमरस बोर्ड पे चला जाएगा। ओके, नाइस। यहाँ ये वाटर बॉडी, ये छोटा सा आपने बना रखा है, इसमें कोई कोई डक फिशेस कुछ हैं? हाँ, हमारे पास बहुत सारे पेट्स हैं। हमारे पास 4 ducks हैं, 3 goose हैं, और 3 hen हैं, और 1 rooster है। ग्रेट। उसके अलावा 2 pet dogs हैं, टली एंड टीला, वेरी फ्रेंडली। सारे ट्रैक पे दे एंश्योर टू आवर कंपनी अलोंग। ऑसम, रियली नाइस। सो दिस इज कॉटेज नंबर 1। कॉटेज कहते हैं या क्या कहते हैं? यस, ये इंडिपेंडेंट कॉटेजेस हैं। टोटल हमारे पास 25 कॉटेजेस हैं। ये 1 से लेके 6 तक हिल कॉटेज कैटेगरी है। इंटीरियर्स आर वेरी लग्जूरियस, बट द डिफरेंस बिटवीन देम वर्सेस द अदर्स इज कि इनके बालकनी से आपको थोड़ा लिमिटेड व्यू मिलता है। द सेकेंड कैटेगरी द माउंटेन कॉटेजेस, अगेन इंटीरियर्स लग्जूरियस बट यू गेट अ बेटर व्यू। एंड द थर्ड कैटेगरी इज द फॉरेस्ट कॉटेज, प्रीमियम cottages, like I love it personally. Double sided balcony, bathtub and 1000 square feet for one room. Bombay wale aake bolte hain ki bathroom jitna yahan pe usse unse unka pura ghar ban jata hai. Awesome, 1000 square feet. Yes. Great, really nice. So 25 cottages, aur idhar activities kya kya hain? बहुत सारी एक्टिविटीज, एडवेंचर एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसेस, जैसे कि कुछ कुछ सॉफ्ट एडवेंचर्स हैं फॉर पीपल हु जस्ट वांट टू टेक इट स्लो, लाइक पॉटरी, यू कैन लर्न द आर्ट ऑफ क्ले पॉटरी। देयर इज अ वीविंग स्टेशन, तो वीविंग क्या होता है, हिमाचल में वीविंग का कल्चर बहुत पॉपुलर है। सबके घरों में भी इंडिपेंडेंटली एक खड्डी बोलते हैं वीविंग की मशीन को लगी है, जहाँ पे अभी भी लोग घर पे खुद अपनी शॉल्स बनाते हैं। ओके, सो वी हैव अ स्टेशन हियर जहाँ पे
हमारी एक आंटी जो है वो सिखाती हैं कि किस तरीके से शॉल बनती है। ऑसम। यहाँ ऐश्वर्या राय, कटरीना कैफ, सनी लियोनी यहाँ कभी ना आए। ये है क्या, ये व्हाट इज दिस, यहाँ पानी पीने का है, ये कौन सी जगह है? श्योर। सो ये जो ये स्टेशन है, बेसिकली होता क्या है, माउंटेन्स में नेचुरली ना स्प्रिंग वाटर जमीन से परक्यूलेट होता है, राइट? तो वो वाटर चरूड़ो बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। उस वाटर को हमने यहाँ चैनलाइज किया है फिल्टर करके। ओके। द स्पेशलिटी इज दिस वाटर इज सो कोल्ड एंड मिनरल रिच, मतलब डाइजेशन में इतना हेल्प करता है। इनफैक्ट हमारे कुछ गेस्ट घर से कैनिया लेके आते हैं, सुबह के ले जाते हैं। हम भी लेके जाएंगे वापसी में, बिल्कुल। दिस इज गुड, ग्रेट। सो और इसके अलावा नीचे मैंने कुछ वो रॉक क्लाइंबिंग, वॉल क्लाइंबिंग, वो क्या था नीचे? Yes. अभी मैंने देखा। सो जस्ट वन ऑफ द एडवेंचर अगेन, यू नो आवर गेस्ट कैन डू एट द रिसॉर्ट इज देयर्स अ वॉल क्लाइंबिंग जिसमें यू नो ये रॉक्स लगे हैं जिसको आप पकड़ के बेसिकली वॉल क्लाइंबिंग करते हैं। Great. उसके अलावा हमारे पास गियर्ड बाइसिकल्स भी हैं। अच्छा। जो हमारे गाइड्स आपको जस्ट थ्रू द विलेज या थ्रू द जंगल ट्रैक्स पे लेके जाते हैं बाइसिकल से। और ऐसी अगर चढ़ाई होगी तो हम तो साइकिल को साथ में लेके चलेंगे। इतनी चढ़ाई नहीं है, पर माउंटेन्स में कभी भी रोड प्लेन तो नहीं मिलेगी, पर इतनी चढ़ाई नहीं है। इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस। ओके। मर जानिया थका देता। अच्छा, बीवी के पैर दबाएं, स्पा में 20% डिस्काउंट पाए। अरे वाह, इसके अंदर तो फिश भी नजर आ रही है। करेक्ट। जो नेचुरल स्प्रिंग वाटर मैंने एक्सप्लेन किया, जो जमीन से निकल रहा है उसको हम यहाँ कलेक्ट करते हैं अपनी फिशेस के लिए। ओके, दिस इज गुड। यस, दिस इज रियली नाइस। बहुत बढ़िया, प्योर मिनरल स्प्रिंग वाटर। यस, अमेजिंग। और ये हम लोग मुड़ रहे हैं, तो ये क्या, यहाँ मैगी आधे घंटे में बना सकते हैं? हाँ, तो ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वी वॉन्ट फैमिलीज टू बॉन्ड एंड हैव दैट क्वालिटी टाइम टुगेदर, विच फॉर वट एवर रीजन अनफॉर्चुनेटली नॉट देयर, नॉट गेटिंग दैट टाइम बैक एट होम। सो हमने यहाँ जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टेशन बनाया है मैगी स्टेशन, सेल्फ सर्विस काउंटर, एवरीथिंग इज फुली सेट अप फॉर यू एंड यू आर एनकरेज्ड टू कम एंड मेक द मैगी योरसेल्फ। ओके, यहाँ मैगी का सारा सामान है। अच्छा, एग्स, मतलब ऑमलेट भी बना सकते हैं एग मैगी के लिए? नहीं, बिल्कुल ऑमलेट भी बना सकते हैं, एज क्रिएटिव एज यू कैन बी विद द एग्स। ओके, नाइस, दिस इज नाइस, ग्रेट। एंड दिस इज दैट स्प्रिंग वाटर ओनली? करेक्ट, यस, थ्रू आउट द प्रॉपर्टी द नेचुरल स्प्रिंग वाटर इज फ्लोइंग। ओके, ये जूस और बंटा सोडा की दुकान, यहाँ पर भी कोई दिख नहीं रहा? ये भी सेल्फ सर्विस काउंटर है, यहाँ पे बंटा बॉटल्स हमेशा रहती हैं आपके लिए। अच्छा, और जूस मशीन लगी है, फ्रिज में कट फ्रूट्स रखे हैं, आप खुद अपना जूस बना। फ्रिज में कट फ्रूट्स? ओके, ये बंटा बॉटल्स भी हैं, दिस इज नाइस। ठंडा ठंडा, गर्मी इतनी है कि एक कॉल ही लेते हैं। गो फॉर इट, रियली नाइस। आई विल जस्ट कीप इट इन माई हैंड, ये मैं और कुछ मिक्स नहीं कर रहा। वैसे यहाँ नींबू एक्सेट्रा भी लग रहा है मुझे अंदर। ओहो, नींबू भी है, तो थोड़ा सा नींबू निचोड़ लेते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। नींबू डालते ही वो बाहर आ सकती है? अच्छा, नींबू डालते ही बाहर आ सकती है? नहीं, नमक से बाहर आती है, काला नमक। तो आपकी नॉलेज जो है, सीए की नॉलेज बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी नॉलेज नहीं है। अरे वाह, ये साइकिल, दिस इज अ नाइस थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, दिस इज कॉल्ड स्काई साइकिलिंग। इसमें दो रोप्स सस्पेंडेड हैं और आप बेसिकली साइकिल करते हैं रोप्स के ऊपर विद प्रॉपर हार्नेस, सो देयर इज नो सेफ्टी रिस्क। अच्छा, यू गो बाइक टिल दैट एंड एंड देन आवर टीम मेंबर्स विल यू नो रिवर्स द साइकिल फॉर यू, देन यू राइड बैक। ओके, इट इज कंप्लीटली सेफ। कंप्लीटली सेफ, यस। तो हम सब करने की पूरी फिराक रखते हैं, सब लोग करेंगे। बिल्कुल, यू डोंट हैव एन ऑप्शन, यू हैव टू डू दैट, वी विल डू दैट। ये क्या, कुछ लोग इतने भयंकर कुंवारे होते हैं कि ताश खेलते वक्त भी बेगम नहीं आती। अच्छा, नहीं ऐसा भी तो हो सकता है ना। देखिए, ऐसा बेगम का क्या मतलब है, बिना गम। हाँ। जिसकी बिना गम बेगम नहीं है वो बिना गम है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। और ये अच्छा धाम रेस्टोरेंट, तो ये चलते चलते हम लोग रेस्टोरेंट आ गए हैं। यहाँ रेस्टोरेंट से पहले ये जो हमारे यहाँ पे जस्ट एन इन्फॉर्मेशन, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में अराउंड 550 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स स्पॉट कर सकते हैं। जस्ट एज अ सैम्पल वी पुट सम पोस्टर्स आउट हियर फॉर यू नो योर, सो दैट यू नो व्हाट यू कैन स्पॉट पोटेंशियली हियर।
अर्ली मॉर्निंग बेस्ट टाइम टू स्पॉट द बर्ड्स. ग्रेट, वेरी नाइस. तो ये यहाँ इसके अंदर कुछ है, ये क्या चीज़ है? नहीं, दीज आर स्टोर रूम्स. ओके, दीज आर स्टोर रूम्स. ग्रेट. दिस इज आवर रेस्टोरेंट. सर अंदर से देख लें इसको. श्योर. ओके, तो यहाँ पर लंच ब्रेकफास्ट सब कुछ है. करेक्ट, ऑल मील्स आर हियर. बट इसके अलावा जो टिपिकल रेस्टोरेंट मील्स के अलावा हम लोग डिनर एक्सपीरियंसेस भी कराते हैं, कल्चरल ट्रेडिशनल एक्सपीरियंसेस, व्हिच आर वॉकिंग थ्रू अवे एज वी गो अलोंग. ओके, नाइस. कल्चरल मींस यहां हिमाचली. यस, हिमाचली लोकल कल्चर. ओके, सो धाम इज बेसिकली फीस्ट व्हिच इज वेरी पॉपुलर इन हिमाचल. हिमाचल में कोई भी सेलिब्रेशन हो, चाहे वेडिंग्स हो या कोई न्यू बॉर्न है या एनी सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेशन, उसके लिए जो फीस्ट होती है उसको धाम बोलते हैं. धाम की स्पेशलिटी क्या है, वो बहुत ही अलग तरीके से कुक होती है. कॉपर के बर्तन होते हैं, नॉट जस्ट कॉपर, उसमें 14 मेटल्स मिलके एक बर्तन बनता है, उसमें कुक होता है. उसके बाद उसमें कोई अनियन गार्लिक यूज नहीं होता है. अराउंड 8 to 10 आवर्स तक स्लो कुक होता है वुड फायर पे. जो बर्तन मैंने एक्सप्लेन किया, वो बर्तन की शेप ही इस तरीके से है कि वो सब न्यूट्रिएंट्स उसमें रिटेन रहते हैं. इट्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस. मतलब फॉर एवरीबडी कमिंग टू हिमाचल, इफ यू आर नॉट हैविंग धाम, यू आर डेफिनेटली नॉट डन एक्सप्लोरिंग हिमाचल. देखिए, हम लोग जरूर ट्राई करेंगे ये वाली चीज. एंड दिस इज इवनिंग टू एंजॉय दैट नाइस पीसफुल dinners with the calm soothing voice which you get from the natural stream flowing along. ye kya gaon hai, kya hai ye jo neeli buildings, hari buildings vagaira lag rahi hain, ye kya cheez hai? yes, ye gaon hai, gaon ke ghar hain. jo aap dekh pa rahe hain yahan pe, zyada tar jo ghar hain wo kacche ghar hain abhi bhi, jisme jo roofing hoti hai wo slate ki hoti hai. and slate ki roofing ka ek bada advantage hai, aur स्लेट की रूफिंग है और जो घर है बने हुए वो मिट्टी के बने हुए हैं. तो ऐसे कुछ से घर का बड़ा एक एडवांटेज होता है कि गर्मियों में दे स्टे कोल्ड एंड सर्दियों में दे स्टे वार्म. एंड स्लेट की रूफिंग का बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज मैं गांव में ऑब्जर्व करती हूँ. गांव में अभी भी खाना जो है वो चूल्हे पे बनता है, तो वो एक स्लेट हटा देते हैं और चूल्हे का धुआं बाहर निकल जाता है पूरा. इट्स सच अ नाइस फ्लेक्सिबिलिटी. अच्छा, वो ऊपर वहाँ एक गुंबद जिसपे गोल्ड लग रहा है, दूसरा वो भी वहाँ पर लग रहा है, ये लेफ्ट साइड पे है तो गुरुद्वारे की शेप है, ये गुरुद्वारा है? करेक्ट, दैट्स अ गुरुद्वारा. राइट साइड ये भी वैसा साइड कुछ लग रहा है, वो मॉनेस्ट्री है, तिब्बतन मॉनेस्ट्री है. गुरुद्वारा और मॉनेस्ट्री बिल्कुल आपस में पास पास ही है, यहाँ से थोड़ा दूर लग रहे हैं. लेकिन हमारे गाइड्स जो हैं वहाँ पे ट्रक के भी लेके जाते हैं मॉर्निंग में. दे विल अकॉम्पनी यू, दे विल वॉक यू थ्रू द विलेज सो दैट यू कैन सी द कच्चा हाउसेस, सी द विलेज एक्सपीरियंस. ट्रक के लिए मतलब यहाँ से पैदल जाएंगे? यस, ट्रक. पैदल कितना दूर है यहाँ से? लगभग 4 to 5 kilometers है. अगर आप मॉडरेट पेस पे वॉक करते हैं तो आप 2 hours तक वापस आ जाएंगे. विल डू दैट इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग. ग्रेट, वेरी नाइस. तो यहाँ से वहां जाएंगे. एंड फिर इसके छत के ऊपर क्या मतलब ओपन स्पेस है, क्या चीज है? यस, रेस्टोरेंट की टेरेस जो है वो ओपन स्पेस है, जिसमें द बेस्ट टाइम टू गो इज आइदर सनराइज और सनसेट. बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है रेस्टोरेंट की टेरेस से. रेस्टोरेंट से भी आपको सनराइज एंड सनसेट के लिए है. यस, उसके अलावा आपने मील एक्सपीरियंसेस भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे इवनिंग में स्नैक्स विल अरेंज देयर जस्ट सो यू कैन हैव अ नाइस हाई टी विद द सनसेट व्यू. राइट, सो ये था हमारा धाम रेस्टोरेंट. और अब आगे ये क्या लिखा हुआ है, निकल गया पसीना, कहाँ है मैनेजर कमीना? दैट्स ऑन मी. जनरल मैनेजर, एक तो कमीना की जो स्पेलिंग है वो गलत है. डोंट माइंड, इग्नोर द टाइपोस. ग्रेट, बहुत ही बढ़िया.
और आगे बढ़ते हैं। इधर सर हमारे यहाँ से माउंटेन कॉटेजेस शुरू हैं, द सेकंड कैटेगरी ऑफ कॉटेजेस आई वाज टेलिंग। ये मेरे लेफ्ट में बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, चाय रेसिपी रसूलिया। ये क्या चीज है? सो ये हिमाचली किचन, करेक्ट, पहाड़ी रसोई हिमाचली किचन, जो कि बेसिकली वी ट्राइड टू मिमिक अ विलेज किचन। तो हम वन ऑफ द डिनर एक्सपीरियंसेस यहाँ जरूर कराते हैं, जिसमें द इंटरेस्टिंग पार्ट इज मेन्यू तो एकदम लोकल है ही है, बट द होल एम्बियंस इज सच दैट you will feel as if you've gone back to the old days in a village. Right. The architecture, this is a mud house, right? Yes, this is a mud house. Great. Iska roofing slate hai and support ke liye jo wooden hai wo bhi local hai. और ये यहाँ चूल्हा लकड़ जला के यहाँ पर फिर रोटी एक्सेट्रा बनाते हैं। एग्जैक्टली, इसका हाईलाइट रहता है मक्की की रोटी विद साग विद लोकल कुल्थ की दाल कड़ू एंड लोकल वेजिटेबल्स। सो दिस एक्सपीरियंस इज एज लोकल एज इट कैन गेट, इट विल रिमाइंड यू टू गो बैक टू योर ओल्ड डेज। कुल्थ की दाल ये शायद दिल्ली में नहीं मिलती, कड़ू भी सुना नहीं है। कड़ू इज कड़ी विदाउट बेसन। अच्छा, वो जो दही तड़क देते हैं। एग्जैक्टली, राइट, ग्रेट। तो ये सारे हमारे लग्जरी कॉटेजेस एक्सेट्रा शुरू हो चुके हैं। यस, ग्रेट। बस थोड़ा सा और आगे है आपका कमरा। बिल्कुल। बारबेक्यू वेज, ये क्या चीज है? सो दिस इज अगेन वन ऑफ दोस स्टेशंस वेयर वी यू नो वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली बॉन्डिंग। यहाँ पे सेल्फ सर्विस काउंटर है, पिज्जा बारबेक्यू चाय ऑल द सप्लाइज आर देयर एंड वी एनकरेज अदर टू कम टेक द सप्लाइज एंड टेक देयर ओन पिज्जा और बारबेक्यू देयर ओन वेजिटेबल्स। तो मतलब आप यहाँ पर पिज्जा बेस सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल। ओह माय गॉड, दैट्स नेक्स्ट लेवल थिंग। घर पे पिज्जा तो बनाए हैं, पिज्जा बेस के साथ बनाए हैं। ग्रेट। कोई हेल्प नहीं मिलती यहाँ पर? है, हमारे एक स्टाफ रहते हैं जस्ट टू गाइड, बट द होल कॉन्सेप्ट इज कि आप खुद से करें। ग्रेट। एंड ये क्या चीज है? दिस इज अ पॉटरी हट। यहाँ पे आंटी रहती हैं जो कि पॉटरी क्ले पॉटरी सिखाती हैं। ओके। क्ले पॉटरी इज सो थेरापूटिक दैट गिव्स यू द फीलिंग ऑफ यूर क्रिएटिंग समथिंग शेपिंग समथिंग। वेरी नाइस, मस्त एक्सपीरियंस। बढ़िया यार। वैसे खैर, मैं तो आई बिलीव इन शेपिंग करियर्स, आई बिलीव इन शेपिंग द यंग स्टूडेंट्स यंग माइंड्स। एंड आप 2008 में पढ़ी थी मुझसे, माफा पड़ी थी उस टाइम पे सीए फाइनल। राइट, यू क्वालिफाइड इन 2009 एंड फिर आप अमेरिका रहे। हाँ, कितने साल? मैं 4 साल इंडिया में काम किया, फिर 6 साल यूएस में रही, उसके बाद back to the roots. Okay. This is on the right is a weaving station. Nice. So weaving is basically a very common culture here, जहाँ अभी भी लोग गाँव में खुद अपनी शॉल्स बनाते हैं। आपने अभी बताया था, बिल्कुल। Yes, तो ये खड्डी है। Okay, great, nice. ये on my left side is all the premium forest cottages. We have 8 of that. Great. What I was telling you, the 1000 yes. square feet का एक cottage है। पूरा घर ही लग रहा है। Yes. Right. And ये right में ये क्या बना हुआ है यहाँ पर? So we are in the process of making a swimming pool. That's the walkway which goes to swimming pool. Okay, nice. अच्छा, अब एक बात बताएं, यहाँ पे अब हम लोग चलिए, यंग एनर्जेटिक लोग हैं, हम लोग तो यहाँ चल के आ सकते हैं। आपकी वैसे गोल्फ कार्ट क्या यहाँ रूम्स तक आती हैं? हाँ, वो दे गो एज क्लोज टू द रूम्स एज पॉसिबल, मतलब उसके बाद कुछ 100-200 मीटर 10-20 मीटर ही वॉक उसके बाद करना पड़ता है। अच्छा, पर वो सीनियर सिटीजन्स एनीबॉडी विद एनी सॉर्ट ऑफ वॉकिंग इश्यूज कैन चूज टू यूज गोल्फ कार्ट। जो हमारा होल कॉन्सेप्ट ऑफ द रिजॉर्ट इज very very sustainability focused. We have hired all the local staff. It's a win-win situation for everybody in the sense that staff takes pride for them. It's not guest of the resort, for them it's like their own guest. Great. ye kya hai? ye to sabziyan hai yahan pe, sabziyan uga rahe hain. ye kya cheez hai? So ye pura mere left mein jo hai ye kitchen gardening space hai. We grow our own veggies. We have a lot of fruit trees also. Okay. Again, this is on the idea of sustainability which I was explaining. We try to use as many veggies and fruits we grow here in our own kitchen. So, fruits kaun se yahan par ugate hain? So, abhi apple trees lage hain, peaches hain, apricots hain, nice. Banana hai. Okay. What else? Blueberry, strawberry. Kya baat kare? Blueberry bhi hai? Yes. Arre wah. और ये क्या एक्टिविटी है? सो दिस इज अवर एक्टिविटी, किड्स एक्टिविटी अरीना मेनली। इसमें एडल्ट्स के लिए भी आर्चरी, डार्ट बोर्ड, बैडमिंटन वगैरह है, बट मेनली एक्टिविटीज जो है वो इधर किड्स फोकस है। जैसे कि मेरे राइट पे लॉग बैलेंसिंग है, देयर इज आर्चरी बोर्ड एंड देयर इज डार्ट बोर्ड। सामने वो जो स्टेप दिख रहा है, दैट्स लैडर बॉल।
Right. Then this is slack lining, ninja lining, and then वो जो hut है सामने, that is a toy store. Okay. There are a lot of board games for kids there too. This is really nice. And यहाँ पे आसपास में हम लोग को ट्रैक भी लेके जाएंगे. बिल्कुल, yes. दिन में एक तो इवनिंग का आपने ट्रैक बताया है, रात का ट्रैक. And otherwise we will go trekking. So we have lots of outdoor experiences, छोटे ट्रैक, बड़े ट्रैक, picnics. You know, once you're here at the resort, want to make sure that you enjoy the true Himachali culture, which is landscape, food, dance, music. That's like the true depiction of Himachal here. Great, great. अब थोड़ा सा personal question. Sure. आप जो US से यहाँ पर आए और यहाँ पे now you are the general manager, right? Mm-hmm. So general manager had nothing to do with the chartered accountancy. अब आपने finance पढ़ा, cost पढ़ा, tax पढ़ा, आपने जो है auditing पढ़ा और आपने जो ये 10 साल में काम किया इंडिया में चार और वहाँ छह, क्या profile था आपका? मेरा I was a financial controller at an investment banking company. Amazing. Yeah. Great. And उसके बाद after 10 years you thought बस अब मैंने funds इकट्ठे कर लिए हैं या क्या क्या सोचा कि जी अब now I need to go back. आप यहाँ से बिलोंग करते हैं? नहीं, यहाँ से बिलोंग नहीं करती हूँ. मैं सहारनपुर से हूँ. बट जब 10 साल कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में काम किया तो मुझे ऐसा लगा कि द लाइफ वॉज बिकमिंग वेरी फास्ट एंड आई वॉज फॉरगेटिंग द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ. दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड दैट आई विल टेक अ ब्रेक. आई डोंट नो हाउ लॉन्ग द ब्रेक इज. इज दैट अ पॉज और इज दैट अ टेंपरेरी, इज दैट अ परमानेंट थिंग? बट एट द मोमेंट आई वॉज लाइक लेट मी टेक अ ब्रेक फ्रॉम दिस नॉर्मल स्केड्यूल एंड सॉर्ट ऑफ एक्सप्लोर अराउंड एंड फिगर आउट व्हाट माय ऑप्शंस आर. विद दैट थॉट आई केम टू पालमपुर. एंड अगेन मेरे पालमपुर में कोई रूट्स नहीं है, सो आई जस्ट गूगल्ड एंड यू नो माउंटेन्स में कोई एक ऐसी जगह ढूंढी जहाँ पे मुझे लगा यू नो वेयर द बेसिक फैसिलिटीज एट लीस्ट आर देयर. सो दैट्स हाउ आई लैंडेड इन पालमपुर. एंड नाउ आई लव माई टाइम हियर जस्ट टॉकिंग टू लोकल्स एंड लर्निंग अबाउट फार्मिंग. लाइक ऑल द टेक्निकल CA related skills which I had learned, they are still with me, right? They're not going anywhere. But as part of my professional career of 10 years, what I learned was management is what matters. That soft skill is what will take you, you know, long ways. Technical skills you can always learn, right? New skills you can always learn. So that's what, you know, my management skills, people management, process management skills are getting used here. And personally, what I enjoy here is just being part of the local culture, meeting local people, simplicity, you know, of the people and the culture just attracted me here and made me make this as a permanent home. Great. And you and your husband, both of you stay in Palampur. Yes, we stay, we live in the main Palampur town, which is around. Your husband is also a chartered accountant. Yes. He also started with you, love marriage or kya? Yeah, we both met in while we were working, you know, in the industry, financial industry. We met there, we got married, we spent some time together working. India mein mile ya US mein mile? India mein mile. Phir US mein ikatthe rahe? Yes. Great. And then he is doing what? He is also involved over here? No, he's not involved here. He is still doing technical work using his technical skills. Okay. आजकल डिजिटलाइजेशन का जमाना है विद पोस्ट कोविड, तो एवरीबडी कैन वर्क डिजिटली. बहुत सारे लोग जो है भाई वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चल रहा है. ग्रेट, राइट, नाइस. सो एनी थिंग यू वांट टू शेयर विद द व्यूअर्स, जो लोग भी जो जैसे अब हमारे मेजर जो हैं व्यूअर्स काफी सारे तो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, बट अदरवाइज देन दैट बी जनरल पब्लिक, किसी के लिए आपका, बिकॉज यू सी यू चेंज द प्रोफाइल. यू आर व्हाट्स योर एज राइट नाउ? आई एम 34. तो 34 इयर्स यू टुक सच अ डिसीजन, यू क्वालिफाइड व्हेन यू वर 24. तो एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू द यंग वंस? एंड साथ में यहाँ पे प्रॉपर्टी के लिए तो गाइज आई एम सेइंग आई एम गोइंग टू डू ऑल द एक्टिविटीज एंड यू हैव टू कम ओवर हियर टू एक्सपीरियंस दिस. And any message that you want to finally give to everyone? Sure. My only message is that be true to yourself. If you're like, find what attracts you. If it's money, go ahead. You know, go and earn. If it's your happiness, realize it sooner and find ways which can make you happy. So be true to yourself. Don't try to do things only to make others happy. That's it. Okay, nice. And finally, कुछ हमारे क्लास के दिन याद है जब पढ़े थे आप कभी या भूल भुला गए? लॉन्ग टाइम बैक याद है, वेग मेमोरीज आर स्टिल देयर. ओके, तो आप 2008 में पढ़े थे तो प्रॉब्ली मे बी शाह ऑडिटोरियम या कुछ? यस यस यस, राइट, गुड, ग्रेट. सो
It's a pleasure to have you here and looking forward to host you now. Yeah, thank you and guys, आप सब लोगों को यहाँ पर आना है और जब भी आप हिमाचल आए और इस तरफ आए धर्मशाला की साइड पे तो यहाँ रख जो है रिजॉर्ट है और राख विलेज इसके बिल्कुल पास में मतलब वही प्रॉपर्टी मान लीजिए वही विसिनिटी है तो गाइज जरूर आइए और एंजॉय कीजिए इस प्रॉपर्टी को बहुत नेचुरल प्रॉपर्टी एंड नेचर से सारी कनेक्टेड है सो वी विल कैच यू लेटर टेक केयर गॉड ब्लेस बाय बाय